हेलो फ्रेंड्स, आज हम आंवला मुरब्बा देखने जा रहे हैं, जिसे हम इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। तो ये इंडियन गूसबेरी जैम है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 kg आंवला। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे प्रेशर कुक करने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया है। इसे हमें बहुत अच्छे से प्रेशर कुक करना है, जिससे ये बहुत सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 विसिल लिए हैं फुल पे, और उसके बाद उसको 10 मिनट्स के लिए सिम पे रखा है, लो फ्लेम पे। और इतना होने के बाद फिर हमें गैस बंद करके उसको ठंडा होने देना है, और ठंडा होने देने के बाद हम उसमें से निकाल के उसके सीड्स अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने सीड्स अलग कर लिए हैं, और अब मिक्सर के पॉट में मैं इसे डाल के और इसी के साथ मैं शक्कर भी डाल दूँगी, जिससे जब हम मिक्सर में उसको मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा पेस्ट बन जाता है, और जो शुगर है वो भी उसके साथ ही मिक्स हो जाती है। बचे हुए आंवले को भी हम सेम यही करेंगे, पर इसमें मैं शक्कर की जगह गुड़ ले रही हूँ। मैंने इसमें 250 ग्राम शुगर एंड 250 ग्राम गुड़ लिया है, जैगरी। आप चाहें तो पूरा भी गुड़ ले सकते हैं, पूरी जैगरी, और चाहें तो पूरी शक्कर भी ले सकते हैं। गुड़ इज़ कंपेरेटिव हेल्दी ऑप्शन फॉर शुगर, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/2 गुड़ लिया है। हम चाहें तो फुल भी ले सकते हैं, जैसे च्यवनप्राश में होता है। और इसे भी हम मिक्सर में अच्छे से पेस्ट बनाकर इसे डायरेक्ट कढ़ाई में या फिर पैन में डाल के इसको चलाते रहेंगे, अदरवाइज़ ये नीचे चिपक सकता है, और नीचे लगने के बाद उसमें स्मेल आ जाती है, इसलिए उसका ध्यान ज़रूर रखें कि उसको बीच बीच में चलाते रहें। ये प्लेट टेस्ट का तरीका है। हम जब भी कोई जैम बनाते हैं, तब जब वो होने लगता है तब उसे हम थोड़ा सा प्लेट में निकाल लेते हैं और उसे ठंडा होने देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ठंडा होने के बाद ये कितना थिक हो सकता है। हमें कढ़ाई में ही बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। अगर पहले ही बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा वो, तो ठंडा होने के बाद वो और ज़्यादा थिक हो जाता है, इसलिए उसको हल्का सा पतला रखें। और लास्ट में इसमें 1 चम्मच घी, जो देशी फ्रेश घी होता है, वो हम डालेंगे। उसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अब ठंडा होने के बाद हम इसे एक अच्छे क्लीन और पूरे ड्राई जार में फिल करके उसको बंद करके एयर टाइट इसमें रख देंगे। ये ख़राब नहीं होता है, आप रेगुलर 1 चम्मच खाएं, आपके विटामिन सी के रिक्वायरमेंट दिन भर की पूरी हो जाती है। थैंक यू, बाय बाय।